तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम फिर आ जाए आपके सामने एक फीडबैक वीडियो में। और जैसा कि आपको पता ही है कि इस बैच में हमारे 10 लोग थे, ठीक है, और धीरे धीरे करके बीच में जाते रहते हैं लोग। 3 लोग उस सुबह चले गए, उनके फ्लैट का मामला था। बैक कैप ये सर्टिफिकेट है इन सब के, ठीक है, और ये मुजम्मिल का सर्टिफिकेट है जो कि हम इनको दे देते हैं इनके अंकल को मुजम्मिल के, और ये फैजान भाई का है, ये भी आप ही ले लीजिए, ये हैदराबाद वाले, और ये रहा आपका, ठीक है, इसको आप ऊपर रखें आपका। बाकी ये शरान आपका है, शरान का, अच्छा शरान पीछे है तो यहीं तरफ होगा। इसके अलावा सैफ भाई ये आपका है, आप लीजिए। मास्टर साहब ये आपका सर्टिफिकेट है, ये कबीर भाई का, ये भी आप ले लीजिए, ये सब आपका है, और ये निर्मल भाई का। तो ये टोटल 9 सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे क्या दिए हुए हैं। अब चूंकि 3 लोग हैदराबाद वाले जो है वो सुबह चले गए, ठीक है, और सर्टिफिकेट नहीं आ पाए थे, जिसकी वजह से वो उनका फ्लैट का मामला था, चले गए पहले बुकिंग का मामला। बैग क्या, तो इनका क्या है, ये जो बैच था वो पूरा कंप्लीट हुआ है, और जैसा कि बैच कंप्लीट होने पर हमारा ये तरीका रहता है कि हम फीडबैक लेते हैं, ठीक है। हालांकि 1 महीने का पूरा कम्प्लीटली कोर्स कराने के बाद, यहाँ से जाने के बाद में इनके साथ में हमारा पूरा सपोर्ट रहता है, हर तरीके से सपोर्ट रहता है, ठीक है, कहीं फॉल्ट फाइंडिंग प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कोई भी दिक्कत हो रही है तो पूरा सपोर्ट रहता है। इसके अलावा फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी रहती हैं ऑफलाइन वाले स्टूडेंट के लिए, कोई अमाउंट नहीं आता है ऑनलाइन क्लास अगर लेना चाहे। इसके अलावा हमारे जो मेन चीज़ है वो ये है कि बैकअप सपोर्ट रहता है, यानी कोई भी वापस आ सकता है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो रिटर्न आ सकता है, कोई फीस नहीं जाती, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, पीछे हमारे आपको नजर आ रहे हैं, आते हैं सैफ भाई, ठीक है, और हम इनसे बात करेंगे थोड़ी। तो सैफ भाई जरा मुझे बताइएगा पहले तो आप कि आप कहाँ से हैं। आदिलाबाद तेलंगाना से है। तो जैसे आपने MNZ ज्वाइन किया वो तकरीबन मेरे ख्याल में जो है 1600-1800 किलोमीटर समथिंग दूर है, इतनी दूर से आप MNZ में आए यहाँ बरेली, तो सारा पूरा कम्प्लीटली कोर्स यहाँ पे कराया गया आपको, पूरा कराया गया, IC पे वर्क, स्मैटिक रीडिंग और 4G 5G फोन के बारे में, ICO के बारे में डीपली नॉलेज, फॉल फाइंडिंग सारी चीजें हुई है, स्मैटिक हो गया, चिप लेवल सिखाया गया है। तो कैसा कॉन्फिडेंस है, काम कर पाएंगे, आराम से कर लेंगे। चलिए, तो ये साहब भाई थे। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं सर भाई, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे MNZ के बारे में? पहली चीज तो यहाँ फीस इतनी छोटी सी है, क्लासेस का, अच्छा क्लासेस की टाइमिंग क्या है? क्लासेस की टाइमिंग 9 बजे नॉर्मली 12 बजे तक तो नॉर्मल है, ठीक है, रात को 12 बजे तक। तो साहब भाई जो लोग आपको देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे, मात्र 15,000 की फीस में MNZ के बारे में कैसा है? चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सैफ भाई जो कि आपके आदिलाबाद तेलंगाना से थे। आगे हम बात करेंगे हमारे निर्मल भाई जो कि बिहार से हैं, निर्मल भाई से थोड़ी बातचीत करेंगे। हालांकि निर्मल भाई का काम आप देख चुके हैं और बहुत जल्द मैं एक वीडियो और भी इनकी दूंगा, आपने ब्लैक पिक्चर पे पहले भी देखा है इनका काम, ठीक है, और सभी की वीडियो पड़ी हुई है, शॉर्ट वीडियो वगैरह पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। बाकी आप निर्मल भाई, आपने MNZ ज्वाइन किया, आप बिहार से हैं, इससे पहले भी आप इंस्टीट्यूट में होके आए, तो अनुभव आपके पास में भरपूर है, ठीक है, और क्या सही क्या गलत इसकी अच्छे से पहचान है, फर्क है, पुराने काम करने वाले हैं और दो दो बड़े इंस्टीट्यूट में होके आए हैं, फिर भी आपने MNZ ज्वाइन किया, इसका एक कारण बताइए कुछ। कारण यही था सर, यहाँ का प्रैक्टिस सक्सेसफुल, मतलब आपने देखा कि भाई इतनी इतनी रात तक प्रैक्टिस चलती है कंटिन्यू, टीचर साथ में रहते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे जाऊँ तो क्यों नहीं मैं सक्सेस हूँगा, और सक्सेस भी हुए हैं। जैसा कि देखिए इस जबान से क्या कह रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता, इनका काम बोलता है, इनका काम, इनकी वीडियो खुद पड़ी हुई है, रेपो नोट 10S की वीडियो पड़ी हुई है, लाइव काम करके दिखाया है, और भी मैं आपको पोको X3 पे काम करा के इनकी वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। तो बहरहाल निर्मल भाई, लास्ट में बस एक ही जुमला कहूँ कि बिहार वाले भाई बहुत ज़्यादा जो है ज्वाइन होते हैं, अपने साथ जुड़ते हैं, स्टूडेंट आते हैं, तो जो भाई आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपने मन से क्या कहना चाहेंगे? मन से करना चाहेंगे सर कि MNZ में उनका ज्वाइन करना चाहिए, और कम से कम तो 18 घंटा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सर, वहाँ पर जैसा भी हो तो समझाते हैं, बीट बाई बीट जब तक आप सफल होंगे सर, आप
का असर ध्यान नहीं देना है। एक बच्चों को अपना बच्चे की तरह तो ये निर्मल भाई थे जिनको आप सुन रहे थे। तो लास्ट में निर्मल भाई सिर्फ एक बात, जैसे कि आप जो है वो सनातनी हैं यानी हिंदू हैं, ठीक है। कुछ भाई इस तरह की कमेंट करते हैं कि भाई क्या आपके पास में सारे मुस्लिम रहते हैं या कोई भेदभाव ये तो नहीं होता है? आप रहे, आपसे पहले भी बहुत सारे सनातनी भाई हमारे यहाँ पे सीख गए हैं, आपने किसी भी तरीके का कोई भेदभाव या कोई रहन सहन या सिखाने में, खाने में, रहने में किसी भी तरीके का कभी एहसास हुआ, महसूस हुआ कि मैं मुसलमानों के बीच में एक अकेला हिंदू हूँ, ऐसा कुछ महसूस हुआ? जी नहीं, जहाँ जहाँ पर ज्ञान की बात हो वहाँ पर धर्म की बात नहीं हो, क्योंकि जहाँ ज्ञान बढ़ता है वहाँ पर गुरु ही सबसे कुछ करता है, गुरु का कोई धर्म नहीं होता है। हम कभी वैसा एहसास नहीं लेते कि हम अपनों के बीच हैं या गैरों के बीच, लेकिन हमको भी इतना अच्छा लगा वो देश को। ठीक है जी, तो आपने सुना निर्मल भाई को जो बता रहे हैं आपको कि कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, आप बिल्कुल नो टेंशन होके आइए, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम्स हैं, चाहे सिख हैं, किस क्रिश्चियन हैं, कोई भी धर्म से हैं, यहाँ धर्म का कोई भी लेना देना नहीं है। आपका काम आपको कामयाब बनाना, यही हमारी मंशा है। और यहाँ पे स्टूडेंट भी एक साथ मिलकर रहते हैं, जैसे निर्मल भाई यहाँ पे एक अकेले हिंदू थे इस बैच में, ठीक है। अब ये साथ में खाना खाते हैं एक साथ में, ऐसा भी नहीं कि अलग अलग, एक साथ में एक चादर बिछा के उसके ऊपर सारे लोग एक साथ खाना खाते हैं, तो कोई किस तरह कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, आप बिल्कुल इस चीज से निश्चिंत रहें। लोग देखते हैं कि भाई मौलवी आदमी है तो लग रहा है कोई धार्मिक मामला होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई भी है, आप सबसे पहले आप एक इंसान है, सबसे पहले आप एक हमारे भाई हैं, उसके बाद में आपका कुछ है, ठीक है। तो आप बिंदास होके एमएनजेड ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे हमारे मास्टर साहब, ये खुद ही बताएंगे, ठीक है। ये हमारे मास्टर साहब जो है दरभंगा बिहार से हैं, ठीक है। और मास्टर साहब ने एमएनजेड ज्वाइन किया जबकि ये खुद भी एक टीचर है, जबकि ये खुद भी एक टीचर है और वहाँ पे शॉप भी चलाते हैं, और पता नहीं कितने स्टूडेंट इन्होंने सिखाया है, कामयाब बनाया है, ठीक है। एक अच्छे टीचर है, सिखाते हैं स्टूडेंट को, फिर भी यहाँ पे एमएनजेड ज्वाइन किया, तो इसका क्या कारण रहा, वो इन्हीं टीमों से हम सुनना चाहेंगे कि क्या कारण रहा जो आपने एमएनजेड ज्वाइन किया, और भी बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे, आप तो टीचर है, आप तो पहले से ही सिखाते हैं, तो ऐसा क्या देखा आपने एमएनजेड में जो आपने एमएनजेड ज्वाइन किया, तो इस चीज के बारे में पहले हम बातचीत करें। रिवीजन के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा ना, और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी यहाँ मिला हमें आकर के। अच्छा, इसके अलावा पूरा 4G 5G फोनों की नॉलेज, गुड सीक्वेंस जी, वो सब मिल गया, 4G 5G सब कुछ। तो अभी आप जो है यहाँ से जाने के बाद जो स्टूडेंट आपके साथ में जुड़ते हैं उनको परफेक्टली सिखा पाएंगे सारा का सारा जो आपने सीखा है जी? आप बहुत बढ़िया से सिखा पाएंगे, बहुत बढ़िया से सिखा पाएंगे, क्योंकि आप और ज्यादा अपडेट हो चुके हैं, और ज्यादा अपडेट हो चुके हैं। तो आप उनको सुन रहे थे मास्टर साहब को कि और भी अच्छे से ये सिखा सकते हैं, और जो इनके पास के स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल इनके पास सीख सकते हैं, क्योंकि अच्छी नॉलेज हो गई है, सब कुछ बढ़िया हो गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और बाकी आगे हमारे सदर साहब हैं जो कि बिहार से हैं लेकिन ये तेलंगाना में रहते हैं, थोड़ा माइक के सामने प्रॉब्लम होती है, जिनसे हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ एक जुमला और उसका जवाब आप दे दीजिए, ज़्यादा बात आपसे नहीं करेंगे, कि आप इतनी दूर से एमएनजेड में आए हैं, ठीक है। और आपकी वीडियो भी आज हम अपलोड कर देंगे, आपने कल जो है इन्होंने सीपीयू निकाल के लाइव फोन पे काम करके दिखाया है, इनकी वीडियो आज आपको मिल जाएगी, और वीडियो ही इनका जवाब है, इनके मुंह से आप ना सुने, वीडियो ही इनका जवाब है, आप वही देख लें, वो आप सबसे बड़ा जवाब है, काम काम बोलता है इंसान का। बहरहाल सिर्फ एक जुमला, सिर्फ एक, आपको एमएनजेड कैसा लगा, और जो लोग देख रहे हैं उनको एमएनजेड ज्वाइन करना चाहिए नहीं, बस इतनी बात। बहुत अच्छा है, आप जो भी देख रहे हैं आना चाहिए, जो भी देख रहे हैं उनको आना चाहिए। अच्छा चलिए जी, आगे है हमारे जो है वो सैयद असदुद्दीन भाई जो के ओल्ड सिटी हैदराबाद संतोष नगर से है, और तीन भाई हमारे और जैसे श्री कबीर भाई, श्री मुजम्मिल और इसके अलावा फैजान भाई, ये तीन लोग भी इनके साथ के हैं, फैमिली मेम्बर ही हैं समझ लो, और क्या है वो लोग सुबह जा चुके हैं, उनका बुकिंग का कोई मामला था फ्लैट वेट वगैरह का, तो इसलिए वो जा चुके हैं, और उनके सर्टिफिकेट मैंने दे दिए हैं शहीद साहब को, और ये शहीद साहब हमारे क्या है 30 तारीख को जाएंगे। वह क्या यहाँ पे हम इनसे बात करेंगे कि जो है वो आप हैदराबाद क्योंकि काफी दूर है आप आए, और क्या कुछ आपको सीखने के लिए मिला है, और जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बस दो बातें कि जो उम्मीद लेके आप आए थे वो चीज आपको मिली है, दूसरी चीज क्या आप आईसी वगैरह पे काम कर पाएंगे या कर पा रहे हैं? बस दो चीज़ें, आईसी
काम करो, बाकी जैसे जैसे काम करेंगे अपग्रेड होते रहेंगे, खुद ही जाहिर सी बात है वो तो। बाकी जो है जो लोग हैदराबाद वगैरह से आपको देख रहे हैं, उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? आ सकते हैं, एक तो पहले छोटी सी फीस है, ठीक है, 15,000 रुपये फीस है, सुबह 9:30 बजे से रात को 12-1 बजे तक क्लासेज चलती है कंटिन्यू। तो इतनी छोटी सी फीस में MNZ एक इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं, चूंकि ठीक है आपकी बात भारी है, तो जो सच्चाई है वो आप अपने मन से बताइएगा कि MNZ के बारे में आपकी पर्सनल क्या राय है। सीख सकते हैं डेली प्रैक्टिकल कराया जाता है, सब बताया जाता है। चलिए जी, तो ये आप देख रहे थे सैयद असदुद्दीन भाई जो कि हमारे हैदराबाद से हैं, ठीक है, और टोटल इस बैच में 10 लड़के थे और धीरे धीरे करके क्या है जा चुके हैं, और बाकी स्टूडेंट आपके सामने 5 तो यहाँ बैठे हुए हैं, 3 सुबह ही गए हैं, 1 कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है, जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहर कैप आप देख रहे हैं, ये हमारा फीडबैक वीडियो रहता है और ये हमारा तरीका है, या हैदराबादी जबान में बोले तो हमारा ये तरीका है, ठीक है, कि हम क्या है फीडबैक के लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इंडिया में हजारों हजार इंस्टीट्यूट है, ठीक है जी, हजारों हजार इंस्टीट्यूट है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी की 35,000 फीस है, किसी की 55,000 फीस है, किसी की 19,200 फीस है, आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन MNZ का काम देखो, जबान से कोई कुछ भी बोलवा ले, स्टूडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन MNZ का काम गवाह है कि हम क्या सिखाते हैं और क्या दिखाते हैं। हमारा काम बोलता है, हमारे स्टूडेंट का काम बोलता है, उनकी नॉलेज बोलती है, मेन चीज ये है, आप मेहनत करो आपका काम बोलेगा, और हमारा काम क्या है बोल रहा है, और यही चीज सबसे बड़ा सबूत है कि हम डंके की चोट पे कहते हैं कि अगर नहीं सिखा पाएंगे, एक महीना हमें दो बस, हम गारंटी देते हैं आपके फ्यूचर की, पूरी गारंटी देते हैं, 1 महीना हमें दो, इसीलिए हम दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि सुबह 9:30 बजे से रात को 12-1 बजे तक आपके साथ लगे रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन भाइयों का जो अब तक यहाँ तक हमारी वीडियो में बने हुए थे, स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है, 1 अगस्त के लिए जो है सीट बुकिंग चालू है, 1 अगस्त जो है बैच स्टार्ट होने वाला है, और 1 अगस्त तो फुल हो चुका है, 1 सितंबर वाले बैच में आप क्या है अपनी सीट बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि 1 अगस्त वाला बैच फुल हो गया है, 1 सितंबर वाले बैच में अभी अपनी सीट बुक कराइए और 100% MNZ के साथ अपने फ्यूचर को सुनहरा बनाइए, और गारंटी के साथ यहां से सीख के जाइए मात्र 15,000 रुपए की फीस में, लाइफ टाइम सपोर्ट, फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी और बैकअप सपोर्ट भी इसी फीस में पाइए, तो एक बार जरूर MNZ में आइए।